बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जमात नहम और दहम निन्ना क्लास 9-10 फेडरल बोर्ड SLS बेस्ड थर्ड मॉडल पेपर आ चुका है आपके सामने। मैथमेटिक्स थर्ड मॉडल पेपर SLS बेस्ड आपके सामने, लेकिन पूरा पेपर सॉल्व अभी बोर्ड वालों ने नहीं भेजा, तो MCQs मैंने आपको सॉल्व करके वो साथ अपलोड कर दिए हैं ताकि आप इससे फ़ायदा उठाएँ जब तक इसका सोल्यूशन आता है। तो FPSC की तरफ से थर्ड मॉडल पेपर क्लास 9th और 10th मैथमेटिक्स विद सॉल्व MCQs के साथ आपके सामने। सबसे पहले क्लास 9th का मॉडल पेपर है, उसके बाद क्लास 10th का है। MCQs सॉल्व कर दिए गए हैं, आप इसे फ़ायदा उठाएं, इसकी प्रैक्टिस करें। ये इसमें ऑप्शन जो ये जो MCQ नंबर 4 है, इसकी ऑप्शन रॉन्ग है, इसमें इसका आंसर ही नहीं है, इसलिए इसको यहाँ पे रॉन्ग करार दिया गया, इसका ऑप्शन नहीं है इसमें। उसके बाद ये MCQs, इनके आंसर्स मैंने हाईलाइट कर दिए हैं ब्लू से, इसको आप देखिए समझिए और इसके मुताबिक इसकी तैयारी कीजिए। SLS बेस्ड थर्ड मॉडल पेपर क्लास 9th और 10th मैथमेटिक्स आ चुका है, इसके MCQs सॉल्व होके आप मैंने साथ ही अपलोड कर दी हैं ताकि आपको उससे फ़ायदा हासिल हो सके। इसका सलूशन अभी तक नहीं आया है, जो ही इसका सलूशन आएगा वो भी मैं अपलोड कर दूंगी ताकि आप इसे फ़ायदा उठा सकें। ये इसका सेक्शन बी मैथमेटिक्स क्लास 9, फॉन्ट साइज़ बहुत छोटा है, आप इसको जूम करके देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर जूम करके देखिए, क्योंकि ऐसे स्क्रीन में आपको नज़र नहीं आएगा। क्लास 9th इसका सेक्शन सी आपके सामने, इनको सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अब इस आज की मेरा ख्याल है ये थर्ड मॉडल पेपर है, इसे आपको बहुत ज़्यादा समझ आ गई होगी कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है, किस टाइप का सवाल आ सकता है और इस सवाल क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या होगी। ये चीज़ आपको बहुत फ़ायदेमंद गई। अब ये आपका नेक्स्ट है क्लास 10th मॉडल पेपर थर्ड मॉडल पेपर, उसका सलूशन, इसमें जो लास्ट MCQs है वो मैंने रेड से कर दिया है ताकि आपको आसानी हो जाए उसको सॉल्व करने में। इनका भी सलूशन आप समझ के इसको कीजिएगा ताकि इस किस्म के कोई भी आपके सलूशन आए तो आपको क्वेश्चन आए तो आप उसको हल कर सकें। क्लास 10th और 9th FBSC फेडरल बोर्ड SLS बेस्ड थर्ड मॉडल पेपर विद MCQs सॉल्व MCQs आपके सामने। क्लास 9th और 10th MCQs सॉल्व कर दिए गए हैं, आप इनको देखिए, इनको समझिए और फिर इनको याद करने की कोशिश कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे तो आपके क्वेश्चन सारे सही तरह हल हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, वरना आपको ये इसका थर्ड और सेकंड पार्ट सेक्शन भी, इसको भी आप देखिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। लाजमी एक दफ़ा सॉल्व कर लेंगे तो इंशाल्लाह तआला जब बोर्ड का पेपर आएगा तो आपको करने में बहुत आसानी हो जाएगी।